नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इंडियन इकोनॉमिस्ट में। तो यहाँ पर हमारी आर्मी ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में इसको IMS बोलते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, तो यहाँ पर क्यों इस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी, क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर जो हमारी आर्मी जो है यहाँ पर सफर कर रही है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी, अगर हम देश की आर्मी की बात करें तो वहां पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से प्रोवाइड करते हैं हमारी आर्मी को तो अच्छे से रहेंगे और अच्छे से जो है तैयार करेंगे खुद को अपने देश की रक्षा के लिए। तो यहाँ पर जितने भी आर्मी स्टेशन होते हैं तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वहां पर प्लान किया जाता है, काम होते हैं, ठीक है। जो पुरानी इमारतें हैं, ठीक है, उनको बदला जाता है, नई इमारतें जो बननी शुरू होती हैं। तो यहाँ पर अगर देश की आजादी के बाद की बात करें तो उस समय जो प्लानिंग की गई थी कि हमने कोई कंटोनमेंट एरिया बनाना है किसी शहर में, जो कैंट का एरिया बनाना है, तो हमेशा वो शहर के बाहर ही बनाया गया था, चाहे कोई भी शहर आप देख लो। लेकिन अभी क्या हो गया कि समय बीतने के बाद, इतने सालों बाद, वो जो एरिया शहर के बाहर था वो शहर के अंदर चला गया, मतलब शहर इतने बड़े पैमाने पर एक्सपैंड हो गया। तो जितनी भी पर्याप्त मात्रा में जमीन चाहिए होती थी किसी भी कंटोनमेंट एरिया को तो उस हिसाब से काफी होती थी। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी के लिए शहर बढ़ गया है तो एक मतलब सुगुड़ के रह गया, सुकुड़ के रह गया है जो कंटोनमेंट एरिया है। तो यहां पर यही चीज बात कर रहे हैं कि जब भी कोई नई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ठीक है, तो उसके लिए तो लैंड चाहिए ना, जमीन चाहिए, तो उसकी भी यहां पर कमी आ रही है क्योंकि जो आबादी है मोस्टली जो जितने मेजर सिटीज हैं जहां पर कंटोनमेंट एरियाज है तो बिल्कुल उसके नजदीक आ गई है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे पठानकोट का कंटोनमेंट एरिया, उसको एशिया का सबसे बड़ा कंटोनमेंट एरिया कहा जाता है, तो वो भी जो है अभी शहर के अंदर ही आ गया। ओके, तो कहने का मतलब आबादी बढ़ चुकी है, अभी लैंड जो है अगर और नया प्रोजेक्ट लगाना है कोई तो वहां पर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ओके, साथ ही साथ अभी के लिए फिलहाल जो फंक्शन होते हैं, जितना भी काम होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का या मैनेजमेंट का, उसमें होती है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड आती है, प्लानिंग आती है, ओके, मॉनिटरिंग आती है कि जहां पर काम चल रहा है उसको मॉनिटर भी करना है, साथ साथ एनवायरनमेंट को भी देखना, ठीक है, मतलब उसको हानि ना पहुंचे, और साथ ही साथ जो है पॉलिसीज जो आती हैं उसको भी हमें मेंटेन करके चलना होता है। तो ये मैन्युअली काम होता है। ओके, तो मैन्युअली करना टेक्नोलॉजी के जमाने में सभी काम अभी भी मैन्युअली हो तो वो बहुत टफ हो जाता है और साथ ही साथ इनएफिशियंट भी रहता है। तो यहाँ पर कोई दो राय नहीं कि इनएफिशियंसी नहीं रहती हो। ओके, तो टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर अभी के लिए हमें पता है कि टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ रही है, तो इसको रियलाइज करते हुए जो है यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए और अकाउंटेबिलिटी को एनहांस करने के लिए यहाँ पर जो है इंडियन आर्मी ने एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, तो ये जो है इनॉग्रेटेड किया गया है COAS के द्वारा। ओके, ऑन द साइडलाइंस ऑफ द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑन 28 अक्टूबर 2020। तो इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या स्कोप होगा, ओके, तो इसमें सबसे पहले बात की जाएगी कि जो शुरुआती वर्क होगा उसको जो हम यहाँ पर ऑटोमेट करेंगे। ओके, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। ओके, जिन जिन भी प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल गया होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से तो उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, उसको फिर ऑटोमेट किया जाएगा शुरुआत के जो काम होंगे, साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, ओके, और जो मॉनिटरिंग है, ठीक है, वो भी जो CFA के द्वारा देखी जाएगी, साथ ही साथ जो ऑटोमेट करेंगे किसको, जो अवेलेबिलिटी है CEO के पूल अकोमोडेशन की, प्लान वेकेशन, रीएलोकेशन, अंडरटेक मेंटेनेंस, तो ये सब चीजें सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग अब देखी जाएंगी। साथ ही साथ जो अप्रूवल होती है फॉर अकोमोडेशन, एलोकेशन, एक्सटेंशन ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन ग्राउंड, स्पेशल चिल्ड्रन एंड बैटल फिजिकल कैजुअलिटी, तो इसके लिए भी अप्रूवल जो है ऑटोमेटिकली होगी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही। ओके, तो पहले मैनुअली काम होता था तो टाइम कंज्यूमिंग होता था, तो अभी अप्रूवल्स का जो है ना, ये यहां पर बेसिक फंडा यही होता है, जब सरकारी काम होते हैं अप्रूवल मिलने में टाइम लगता है तो इस पूरे प्रोसेस में टाइम चला जाता है। ओके, फाइल तैयार करनी, फाइल भेजनी, कब फाइल आएगी, ठीक है, फिर दोबारा एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है, फंड आएंगे, फिर काम शुरू होगा, फंड रुक गए, फिर काम बंद हो गया, तो ऐसे होता है जो सरकारी काम होते हैं। ओके, तो यहां पर सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है, समय भी बचेगा और टाइमली जो है काम भी खत्म हो जाएगा जो भी काम रखा होगा। ओके, जिस भी बेसिस के ऊपर, तो यहां पर जो कंटोनमेंट की सड़कें जाती हैं, ठीक है, उनको यहां पर उनको मैनेज किया जाएगा। ओके, साथ ही जो इमरजेंसी क्लोजर होते हैं उनको भी, इसके अलावा जो जमीन है, ठीक है, तो उसको यहां पर अवेलेबल किया जाएगा, ठीक है, साथ ही साथ जो लैंड एनक्रोचमेंट है, ठीक है, ओल्ड ग्रांट बंगलोस है, VIP रेफरेंसेज है एंड ट्रांसफर एक्सचेंज ऑफ लैंड, तो इन सभी चीजों के ऊपर भी देखा जाएगा कि जो चीज काम की उसको
अगर खाली पड़ी है तो उसको यूटिलाइज करेंगे। ओके, तो सभी चीजों के लिए अप्रूवल्स में टाइम लगता था, अभी सॉफ्टवेयर के तहत आसानी हो जाएगी और काम जल्दी से होगा। तो यहां पर इंडियन आर्मी ने इसीलिए ये सॉफ्टवेयर जो है लॉन्च किया है। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेक्चर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।